माई मेडिकल प्रोफेशनल्स माई सेल्फ डॉक्टर नरेश पाटी डायरेक्टर ऑफ वेल्थ केयर ओवरसीज एजुकेशन बेंगलुरू डियर माई डॉक्टर्स जो भी इंडियन डॉक्टर्स हैं या जो फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट है और रजिस्ट्रेशन है इंडिया में सो दोज डॉक्टर्स अगर मेडिकल रेजिडेंसी करना चाहते हैं यूरोपियन कंट्री में तो आज मैं और एक कंट्री आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ और कंट्री का नाम है स्वीडन ये एक शैनेगन कंट्री है और बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा है अगर आपका ड्रीम है स्विट्ज़रलैंड में जाके मेडिकल रेजिडेंसी करना या एज़ अ डॉक्टर आप काम करना चाहते हैं एज ए स्पेशलाइज डॉक्टर आप काम करना चाहते हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको बेसिक स्टेप्स बताऊंगा क्योंकि ये जो प्रोसीजर है वो स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आ, बहुत सारी बातें इसमें करनी रहती है बतानी रहती है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा जो छह स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं अगर आपको स्वीडन में एज ए रजिस्टर डॉक्टर काम करना है या अगर आप ग्रेजुएट हो एम डॉक्टर हो और आपको रेजिडेंसी वहाँ पर चालू करना है और ये जो पॉइंट है आपको मैं एज ए फ्लो चार्ट आपको समझाऊंगा ताकि आपके लिए काफ़ी सा ज़्यादा ईजी रहेगा ये सिस्टम को समझना कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल रेजिडेंसी के लिए स्वीडन में स्वीडन की बात कर रहे हैं तो छह स्टेप्स आपको फॉलो करना है पहला स्टेप क्या है पहला स्टेप ये है कि आपकी जो डिग्री है आप नॉन यूरोपियन डिग्री होल्डर हो तो जो आपकी डिग्री या डिप्लोमा है वो मस्ट बी इवालएट और रिकॉग्नाइज और असैस बाय द स्वीडिश काउंसिल स्वीडिश काउंसिल का जो बोर्ड है बोर्ड का नाम है नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर उसको स्वीडिश में बोलते हैं सोशल स्टाइर मीन्स नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट आपके सबमिट करने रहते हैं आपके डॉक्यूमेंट के इल्युएशन के लिए ये एक अथॉरिटी है स्वीडन में मेडिकल काउंसिल आप बोल सकते हो जो आपके डॉक्यूमेंट को इवालुएट करती है और इसमें कितना टाइम लगता है मिनिमम थ्री से फाइव मंथ्स का उनको टाइम लगता है आपका डॉक्यूमेंट इवालुएट करने में अब ये कौन से कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो पहला पॉइंट ये है कि आपका डॉक्यूमेंट मस्ट बी इवालुएट बाई द नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर पहला स्टेप अब दूसरा स्टेप इसमें तो टाइम लगेगा तीन से पाँच महीने तो आप क्या करें सो दूसरा स्टेप है स्टार्ट लर्निंग स्वीडिश लैंग्वेज अब स्वीडिश लैंग्वेज सीखने में आपको कितना टाइम लग सकता है कैसे आप सीख सकते हो और कैसे आपको सीखना है तो इंडिया में ज़्यादा स्वीडिश सेंटर नहीं है तो आपको स्वीडन में ही आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो या हम आपके लिए हेल्प कर सकते हैं कि कैसे आप स्वीडिश लैंग्वेज सीख सकते हो आपको कौन से लेवल का स्वीडिश आना चाहिए सी वन लेवल का स्वीडिश आपको आना चाहिए और उसको सीखने में आपको आठ से बारह महीना लग सकता है तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स इवाल्युएशन में डाल देते हो और डॉक्यूमेंट को आपको कैसे भेजना है आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना उनका एप्लीकेशन जो फॉर्म है भर के उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने पूछा है वो सारा मेल भी करना है और एक कॉपी आपको जो जेरोक्स कॉपी है जो नोटराइज कॉपी है वो आपको कुरियर भी करना है तो एड्रेस भी हम नीचे लिंक में आपको दे देंगे उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं तो ये दूसरा स्टेप हो गया तीसरा स्टेप क्या है आपका लैंग्वेज सी तक हो गया फिर आपको लिखना है नॉलेज टेस्ट जो वहाँ का मेडिकल लाइसेंस एग्जाम है वो लाइसेंस एग्जाम आपको लेना है अब लाइसेंस एग्ज़ाम आप कहाँ कर सकते हो तो स्वीडन में क्या है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी वो लोग असाइंड करते हैं आपका मेडिकल लाइसेंस एग्जाम लेने के लिए तो वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है इस एग्जाम के लिए और आप अपना एग्जाम ले सकते हैं ये दो फेज में होता है प्रैक्टिकल एंड थ्योरिकल इन डिटेल हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे तो ये तीसरा स्टेप हो गया कि आपको नॉलेज uh, टेस्ट या मेडिकल लाइसेंस एग्जाम टेस्ट देना है जब आप ये मेडिकल एग्जाम लाइसेंस एग्जाम पास कर लेते हो फिर नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है आपको क्या करना है आपको और एक कोर्स करना होगा विच इज रिलेटेड टू स्वीडिश रूल्स एंड रेगुलेशन कोर्स वो आपका टू टू थ्री वीक्स का कोर्स रहता है वो भी आप जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपको लॉग इन करना होगा अप्लाई करना होगा और वो कोर्स आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही आप ले सकते हो ये आ गया आपका फोर्थ स्टेप फिर ये करने के बाद ये कोर्स का भी सर्टिफिकेट आपके पास रहना है रूल्स एंड रेगुलेशन का मेडिकल सिस्टम में जो उनके रूल्स रेगुलेशन है फिर नेक्स्ट आपको मिनिमम वन ईयर से लेके वन एंड हाफ ईयर तक जनरल मेडिकल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप आपको वहाँ पे करनी रहती है तो वो जिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल जहाँ भी एम्प्लॉयर आपको मिला है वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ही वो पूरा टाइम वन से वन एंड हाफ ईयर जो भी आपका ड्यूरेशन है वो इंटर्नशिप या जनरल मेडिकल ट्रेनिंग आपको लेनी है और वो ट्रेनिंग लेने के बाद जो एम्प्लॉयर आपका है वो एक आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देगा वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के साथ अलोंग विद जो जो एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है और फिर जो नेक्स्ट स्टेप जो लास्ट स्टेप में हम जाएंगे पे एंड सेंड योर एप्लीकेशन टू टू गेट अ लाइसेंस इन स्वीडिश काउंसिल तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो जो आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट है सी वन का फिर आपका जो नॉलेज टेस्ट जो आपने पास किया उसका सर्टिफिकेट फिर आपने जो स्वीडिश रूल्स रेगुलेशन का जो कोर्स किया उसका सर्टिफिकेट फिर आपने जो वन से वन एंड हाफ ईयर का ट्रेनिंग किया है वो सर्टिफिकेट और फिर आपका एकेडेमिक डॉक्यूमेंट्स और उनका जो है लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म वो सारा डॉक्यूमेंट आप सबमिट करने के बाद आप रजिस्टर डॉक्टर स्वीडन में बन सकते हो और फिर वहाँ से जब आपको लाइसेंस मिल जाता है वहाँ से आप इनडिपेंडेंटली यू कैन स्टार्ट वर्किंग इन स्वीडन एज अ मेडिकल डॉक्टर और अगर आप एक स्पेशलाइज डॉक्टर है इंडिया में मान लो तो वो भी आप, आप बाद में एप्लीकेशन अलग से आपको एप्लीकेशन करना होगा आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्वलाइजेशन के लिए तब तक आप एज अ ग्रेजुएट मेडिकल डॉक्टर जो पीजी रेजिडेंसी में आप जा सकते हो तो ये मैंने जो छह स्टेप्स आपको बताए हैं ये अगर आप फॉलो करोगे तो आई थिंक आप स्वीडन में रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप एक रजिस्टर डॉक्टर्स स्वीडन में बन सकते हो तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में आने वाले वीडियो में हम इन डिटेल में एक एक जो स्टेप्स है उनको इन डिटेल में हम जानेंगे जैसे कि कौन से कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए कहाँ पे आपको सबमिशन करना है फिर नॉलेज टेस्ट जो है मेडिकल लाइसेंस एग्जाम उसमें जो थियोटिकल प्रैक्टिकल्स पार्ट है उन डिटेल में जानेंगे उसको कब कब एग्जाम होता है आ, फिर आपका जो स्वीडिस रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में जानेंगे तो इन डिटेल में भी मैं अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा आप देखते रहिए तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल और अगर आपकी कोई क्यूरीज और डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करके फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं तो आज के लिए इतना ही आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दे इजाज़त जय कर्नाटका जय भारत एंड जय हिंद